अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने वेरी वेरी एफर्ट से फाइंड आउट किया। ओके, सो आपने इन एमसीक्यूज की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपके बुक के टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है डेटाबेस एमएस एक्सेस से रिलेटेड और नेक्स्ट पार्ट होता है सी लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, सो डेटाबेस से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज एंड देन सी लैंग्वेज से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज जो है फाइंड आउट किए हैं। सो ये 100 एमसीक्यूज है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, सो इनके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर राइट किए हैं, ऑप्शन राइट नहीं किए, ताकि आंसर फाइंड आउट करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ओके, सो ये आंसर है, आपने इनको याद करने हैं और अंडरस्टैंड करना है। ओके, एमसीक्यू नंबर वन है, इन एन ई आर डायग्राम अ डायमंड रिप्रेजेंट एन ईआर डायग्राम में एक डायमंड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को। ओके, डायमंड सिंबल जो है रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को। ओके, एमसीक्यू नंबर टू, विच ऑब्जेक्ट इज द आउटपुट ऑफ आर डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन की आउटपुट कौन सा ऑब्जेक्ट है? सो आंसर है रिपोर्ट। ओके, एमसीक्यू नंबर थ्री, वट इज द डिफॉल्ट फील्ड साइज ऑफ आर टेक्स्ट डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट फील्ड साइज टेक्स्ट डेटा टाइप का कौन सी है? सो आंसर है 50। ओके, एमसीक्यू नंबर फोर, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। कौन सी शॉर्टकट की एमएस एक्सेस में एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए यूज की जाती है? सो आंसर है कंट्रोल प्लस ओ, कैप्स लॉक आपने प्रेस करना है, सी टी आर एल प्लस ओ। ओके, मीन्स के कंट्रोल प्लस ओ जो है ये शॉर्टकट की है जो कि एम एस एक्सेस में एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। एमसीक्यू नंबर फाइव, इन ई आर डायग्राम आ रेक्टेंगल प्रेजेंट्स आ। ई आर डायग्राम में एक जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करती है एंटिटी को। एमसीक्यू नंबर सिक्स, एम एस एक्सेस सेव्स द डेटाबेस विद एक्सटेंशन। एम एस एक्सेस जो है डेटाबेस को सेव करती है कौन सी एक्सटेंशन से? डॉट एम डी बी। ओके, सो ये आंसर है, एम एस एक्सेस को किसी भी डेटाबेस को डॉट एम डी बी की एक्सटेंशन से सेव करती है। एमसीक्यू नंबर सेवन, द डिग्री ऑफ रिलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ डैश इन अ रिलेशन। जो डिग्री ऑफ रिलेशन है उसको कहा जाता है नंबर ऑफ फील्ड्स इन अ रिलेशन, एक फील्ड में नंबर ऑफ फील्ड्स। ओके, एमसीक्यू नंबर एट, अ फॉर्म विद इन अ फॉर्म इज कॉल्ड। फॉर्म के अंदर फॉर्म को कहा जाता है सब फॉर्म। एमसीक्यू नंबर नाइन, विच इज यूज टू इंडिकेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करने के लिए, मीन्स के जाहिर करने के लिए, निशानदेही करने के लिए यूज किया जाता है एट्रीब्यूट को। आंसर है एट्रीब्यूट। एमसीक्यू नंबर टेन, विच इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल की। कंट्रोल की किसको कहा जाता है? कंट्रोल की का दूसरा नाम है सॉर्ट की। ओके, एमसीक्यू नंबर इलेवन, हाउ मेनी लेआउट ऑफ रिपोर्ट आर देयर। रिपोर्ट्स के कितने लेआउट होते हैं? सो आंसर है तीन। एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व, विच व्यू इज यूज्ड टू ऐड एडिट और डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। कौन सा व्यू ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड को टेबल में से यूज किया जाता है? सो आंसर है डेटा शीट व्यू। ओके, सो टू व्यूज होते हैं, एक होता है डिजाइन व्यू, एक होता है डेटा शीट व्यू। लेकिन अगर हमें टेबल में से किसी रिकॉर्ड को ऐड करना हो, एडिट करना हो या फिर डिलीट करना हो तो हम डाटा शीट व्यू को यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन डेटाबेस। कौन सा ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है कि डेटाबेस में डाटा को स्टोर किया जा सके? सो आंसर है टेबल। ओके, एमसीक्यू नंबर 14, कस्टमर्स कार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आंसर है एंटिटीज। कस्टमर्स और कार्स एंटिटीज की एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स की एंटिटीज वो होती हैं जिनके कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनके कोई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो कार्स के करेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि कार का नंबर क्या है, कार का कलर क्या है। ओके, सो ये कस्टमर्स और कार्स जो हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटिटीज। एमसीक्यू नंबर 15, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है डाटा का डेटाबेस के अंदर, उसको कहा जाता है फील्ड। एमसीक्यू नंबर 16, हाउ मेनी टेबल व्यूज आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में कितने टेबल व्यूज अवेलेबल हैं? सो आंसर है टू। ओके, एमसीक्यू नंबर 17, डैश टाइप रिक्वायर्स लार्ज प्रोसेसिंग टाइम। कौन सी फाइल टाइप्स को जो है लार्ज प्रोसेसिंग टाइम की जरूरत होती है? सो आंसर है सिक्वेंशियल फाइल्स। ओके, एमसीक्यू नंबर 18, द फॉरेन की इज फाउंड इन डिपेंडेंट टेबल। फॉरेन की जो है डिपेंडेंट टेबल के अंदर होती है। एमसीक्यू नंबर 19, इट मेक्स वेरी सिंपल टू मेक अ डेटाबेस।
डेटाबेस को विजेट के जरिए बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एमसीक्यू नंबर 20, ऑल द हार्डवेयर कॉस्ट आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। जितनी भी हार्डवेयर कॉस्ट होती है उसका अंदाजा लगा लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑल द हार्डवेयर कॉस्ट आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। एमसीक्यू नंबर 21, इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड को यूज किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 22, द फॉर्म्स आर डिजाइंड टू मैनिपुलेट डाटा। फॉर्म्स को डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 23, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। मींस करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी का मतलब है इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। एमसीक्यू नंबर 24, द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। एक टेबल में प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। ओके, एमसीक्यू नंबर 25, अ टेबल इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल जो है ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यू नंबर 26, हाउ टू फाइंड फोर नेम दैट स्टार्ट्स विद एच द क्राइटेरिया इज स्पेसिफाइड एज। मीन्स कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फोर नेम जो कि स्टार्ट होते हैं एच से। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि हम एच कैपिटल लिखेंगे और उसके आगे थ्री टाइम्स क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। ओके, एमसीक्यू नंबर 27, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स के कलेक्शन को डाटा कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्पररी फाइल। इनमें से कौन सी फाइल टेम्पररी फाइल हो सकती है। सो आंसर है ट्रांजेक्शन फाइल। ट्रांजेक्शन फाइल टेम्पररी फाइल हो सकती है। ओके, एमसीक्यू नंबर 29, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। रिलेटेड फील्ड के जो कलेक्शन है उसको कहा जाता है रिकॉर्ड। एमसीक्यू नंबर 30, अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ करेक्टर्स इज अ फील्ड। करेक्टर्स के लॉजिकल ग्रुपिंग को कहा जाता है फील्ड। 31 एमसीक्यू है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एस फॉर स्ट्रक्चर्ड, क्यू फॉर क्यूरी एंड एल फॉर लैंग्वेज। ओके, एमसीक्यू नंबर 32, अ टू डायमेंशनल टेबल ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ रिलेशन। डाटा के टू डायमेंशनल टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 33, विच डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। कौन सी की जो है यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मीन्स की वो यूनिक नहीं होती। सो आंसर है सेकेंडरी की। ओके, एमसीक्यू नंबर 34, एन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। एक एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एट्रीब्यूट को हम क्या कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 35, जी टू ए ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग। जी टू ए अगर हम मूव करेंगे सो इस ऑर्डर को कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, एमसीक्यू नंबर 36, अ रो ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड टुपल। रिलेशन की रो को टुपल भी कहा जा सकता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 37, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। रिलेटेड रिकॉर्ड के कलेक्शन को कहा जाता है फाइल। एमसीक्यू नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डेटा सेट। आंसर है फाइल। फाइल को हम डेटा सेट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 39, विच आर यूज्ड टू डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी की जो खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको कौन डिफाइन करते हैं, किसको यूज किया जाता है, एट्रीब्यूट्स को यूज किया जाता है। ओके, so attributes are used to define characteristics of an entity. MCQ number 40, the process of arranging data in a logical sequence is called sorting. The jo process hota hai data ko arrange karne ka logical sequence mein usko kaha jata hai sorting. MCQ number 41, different attributes in two different tables having same name are referred to homonym. Means kya MCQ number 41 mein hai ki different attributes mukhtalif attributes ho aur do mukhtalif tables mein ho lekin unke name same ho to isko hum kehte hain holonym. MCQ number 42, in third normal form jisko hum 3NF bhi likhte hain, in third normal form which form of dependency is removed. Answer hai transitive dependency. Third normal form mein hum kaun si dependency ko remove karte hain. So very very important MCQ hai, hum third normal form mein transitive dependency ko remove karte hain. MCQ number 43, which of the dependencies is removed in second normal form. Second normal form mein kaun si dependencies ko remove kiya jata hai. So answer hai partial dependency. Students, ye difference yaad rakhna hai ki third normal form mein transitive dependency ko remove kiya jata hai aur second normal form mein partial dependency ko remove kiya jata hai. MCQ number 44, the output of a query is in a form of table. Jo query ki output hoti hai wo hamesha table ki form mein hoti hai. Okay, MCQ number 45, the database file has a file extension. डेटाबेस की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो फाइल एक्सटेंशन रखती हैं .mdb. ओके, एमसीक्यू नंबर 46, इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अ
नॉन की एट्रीब्यूट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एमसीक्यू नंबर 47। हाउ मेनी बेसिक लेआउट्स ऑफ फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कितने बेसिक लेआउट्स हैं फॉर्म्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में? सो आंसर है 4। अगर यही पूछा जाता कि कितने लेआउट्स हैं रिपोर्ट्स के, सो आंसर होता 3। ओके, फॉर्म्स के 4 लेआउट्स हैं और रिपोर्ट्स के 3 लेआउट्स हैं। एमसीक्यू नंबर 48। डैश ऑटो फॉर्म डिस्प्लेस वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। कॉर्नर ऑटो फॉर्म जो है डिस्प्ले करते हैं एक रिकॉर्ड सिर्फ एक टाइम में। ओके, एमसीक्यू नंबर 49। डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल डाटा फाइल्स इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। डाटा का डुप्लीकेट होना मल्टीपल डाटा फाइल्स में, बहुत सी डाटा फाइल्स में, ओके, सो उसको कहा जाता है डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का लफ्जी मतलब भी डुप्लीकेशन ही है। ओके, एमसीक्यू नंबर 50। इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आपने इन एमसीक्यूज की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो ये थे 50 एमसीक्यूज एमएस एक्सेस डेटाबेस से रिलेटेड पोर्शन के। ओके, सो अब है सी लैंग्वेज से रिलेटेड पोर्शन के एमसीक्यूज 50 नेक्स्ट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, एमसीक्यू नंबर 51। द स्टेटमेंट रिटन बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड सोर्स कोड। वो स्टेटमेंट जो कि प्रोग्रामर लिखते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड। एमसीक्यू नंबर 52। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। एक ऑपरेटर जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता है उसको कहा जाता है यूनरी ऑपरेटर। ओके, एमसीक्यू नंबर 53। फंक्शन विच यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए? सो आंसर है स्कैनर फंक्शन। एमसीक्यू नंबर 54। एन एक्सप्रेशन दैट यूजेस अ रिलेशनल ऑपरेटर इज नोन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन जो कि रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करती है, सो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ओके, एमसीक्यू नंबर 55। विच इज द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है? सो आंसर है इफ, मींस के इफ स्टेटमेंट। ओके, एमसीक्यू नंबर 56। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज नोन एज। लूप की एक एग्जीक्यूशन को कहा जाता है आइट्रेशन। ओके, एमसीक्यू नंबर 57। दिस मींस टू इंक्रीज अ वैल्यू बाय वन। आंसर है इंक्रीमेंट। दिस मीन्स टू इंक्रीज द वैल्यू बाय वन मीन्स के वैल्यू में एक का इजाफा करना। इंक्रीज मतलब इजाफा करना, तो इसको कहा जाता है इंक्रीमेंट। ओके, एमसीक्यू नंबर 58। फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 59। अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जो कि इनपुट डिवाइस से आती है कंप्यूटर में, तो उसको कहा जाता है इनपुट स्ट्रीम। एमसीक्यू नंबर 60। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ग्लोबल वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं रैम में। ओके, एमसीक्यू नंबर 61। डॉट एक्स फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिंकर। जो डॉट एक्स फाइल होती है वो प्रोड्यूस करने वाला होता है लिंकर। एमसीक्यू नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एस्केप कोड। इनमें से कौन सा वैलिड एस्केप कोड नहीं है? सो आंसर है \y। \y कोई भी एस्केप कोड नहीं है। ओके, एमसीक्यू नंबर 63। अनदर टर्म फॉर द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए एक दूसरी टर्म जो है उसको हम यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। ओके, एमसीक्यू नंबर 64। कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स थ्री ऑपरेंड्स। जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो थ्री ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। ओके, सो कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स थ्री ऑपरेंड्स। एमसीक्यू नंबर 65। द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। जो जनरल फॉर्म है फॉर्मेट स्पेसिफायर की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए है, आंसर है परसेंटेज एम डॉट एन एफ। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड काउंटर लूप। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड काउंटर लूप। काउंटर लूप को कहा जाता है फॉर लूप। ओके, एमसीक्यू नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो इनमें से कौन सा इक्वलेंट है पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? आंसर है नॉट पी लेस देन क्यू। ओके, एमसीक्यू नंबर 68। अ डैश फाइल स्टोर टेक्स्ट ओनली। कौन सी फाइल जो है सिर्फ टेक्स्ट को ही स्टोर करती है? सो आंसर है टेक्स्ट फाइल। एमसीक्यू नंबर 69। कंडीशनल ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो अल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट की। ओके, एमसीक्यू नंबर 70। द केस ब्लॉक एंड्स विद ब्रेक। जो केस ब्लॉक्स होते हैं वो एंड होते हैं ब्रेक से, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, एमसीक्यू नंबर 71। हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन वन प्रिंटएफ फंक्शन। एक प्रिंट एफ फंक्शन में कितने वेरिएबल्स को यूज किया जा सकता है? सो आंसर है मेनी, मींस के बहुत से। एमसीक्यू नंबर 72। विच इज अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। इनमें से वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है? सो आंसर है दिस, क्योंकि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो है जो भी कैरेक्टर हो तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट।
एमसीक्यू नंबर 73, सी स्टेटमेंट जो होती है वो एंड्स होती है सेमी कॉलन से. सी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमी कॉलन. 74, एन अरे सब्सक्रिप्ट शुड बी इंट. जो अरे सब्सक्रिप्ट है उसको इंट होना चाहिए हमेशा. एमसीक्यू नंबर 75, टाइप्स ऑफ लूप इन सी. सी में कितने किस्म के लूप है? सो आंसर है 3, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. ओके. एमसीक्यू नंबर 76, द आउटर लूप विच नेवर एंड्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप. एक लूप जो कभी नहीं खत्म होती होती है इनफाइनाइट लूप. एमसीक्यू नंबर 77, दिस स्टेटमेंट कॉज द लूप टू टर्मिनेट अर्ली. आंसर है ब्रेक स्टेटमेंट. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लूप को बहुत जल्दी ही टर्मिनेट मीन्स के रोक देती है, रोकने की वजह बनती है. सो आंसर है ब्रेक स्टेटमेंट. MCQ number 78, which of the following function is used to write a string to a file? इनमें से कौन सा function जो है file के अंदर string write करने के लिए use किया जाता है? So answer है fputs function. Okay. MCQ number 79, another term for making decision is. Decision making के लिए दूसरी term कौन सी use की जाती है? So answer है selection. MCQ number 80, the escape sequence for backslash is double backslash. अगर हमने escape sequence है backslash के लिए वो है double backslash. MCQ number 81, variable name cannot contain, variable name मुश्तमिल नहीं हो सकता. आंसर है period. MCQ number 82, an if statement 2 is represented by 1. If statement में 2 को represent किया जाता है 1 से. MCQ number 83, the relational operators allow to dash numbers. जो relational operator है ये allow करते हैं numbers को compare करना. Okay. MCQ number 84, the loop within a loop is called nested loop. Loop के अंदर जो loop होती है उसको कहा जाता है nested loop. Okay. MCQ number 85, the printf is a built-in function. Printf जो है built-in function है. MCQ number 86, the character is used to mark the end of a string. कौन सा character end of string को mark करने के लिए use किया जाता है? So answer है backslash zero. Okay, MCQ number 87, f open function takes dash parameters. F open function कितने parameters लेता है? So answer है 2. MCQ number 88, the first line of function definition is function header. जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन डेफिनेशन की उसको कहा जाता है फंक्शन हेडर. एमसीक्यू नंबर 89, व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल लूप. व्हाइल लूप को कंडीशनल लूप भी कहा जाता है. एमसीक्यू नंबर 90, एसटीडीआईओ स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. ओके, सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है. एमसीक्यू नंबर 91, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है. एमसीक्यू नंबर 92, द एस्केप सीक्वेंस फॉर कैरिज रिटर्न. कैरिज रिटर्न के लिए जो एस्केप सीक्वेंस यूज किया जाता है वो होता है बैक स्लैश आर. ओके. एमसीक्यू नंबर 93, हाउ मेनी बाइट्स द क्लोज डेटा टाइप टेक्स इन मेमोरी. क्लोज डेटा टाइप कितने बाइट्स लेती है मेमोरी में? सो आंसर है 4. ओके, मींस के क्लोज डेटा टाइप 4 बाइट्स लेती है मेमोरी में. एमसीक्यू नंबर 94, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972. एमसीक्यू नंबर 95, स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स. स्विच स्टेटमेंट जो है ये अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की. एमसीक्यू नंबर 96, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टेप्स की उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट. एमसीक्यू नंबर 97, ए प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, सो यहाँ पर प्लस है सो ये इधर आ जाएगा और ए बी इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा सो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी. एमसीक्यू नंबर 98, व्हिच एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू बिगिन अ न्यू लाइन. कौन सी एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन को शुरू करने के लिए यूज की जाती है? सो आंसर है बैक स्लैश एन. एमसीक्यू नंबर 99, द लॉजिकल नॉट डिनोटेड बाई दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर. जो लॉजिकल नॉट है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये है एक यूनरी ऑपरेटर. ओके, एमसीक्यू नंबर 100, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ फंक्शन आर सेपरेटेड बाई. एक फंक्शन में मल्टीपल मीन्स के बहुत से आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं तो इनको सेपरेट किया जाता है बाई कोमा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. अल्लाह हाफिज़.